पकड़ा ये किया, दूसरों को ऐसे ऐसे करते हैं, वो आके आपको पकड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बिलाल सेल्फ डिफेंस। आज की हमारी ट्रेनिंग है कि अगर कोई रोड फाइट के अंदर आपका गिरेबान पकड़ ले तो आप अपना डिफेंस कैसे कर सकते हैं। आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी कि लोगों ने किस तरह बताया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम है और सुस्ती, इतना आप टाइम नहीं दे सकते। मैं जो आज आपको डिफेंस लाया हूँ उसमें मैं दो तकनीक्स बताऊंगा कि किस तरह जैसे ही आपका दुश्मन आपका गिरेबान पकड़ता है आप उसी लम्हा अपना डिफेंस कैसे कर सकते हैं और दुश्मन को ज़मीन पर ढेर कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों अक्सर फाइट में हमें कोई इस तरह आपका गिरेबान पकड़ता है तो हम क्या करते हैं, हमें आपको यूट्यूब में काफ़ी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें वो क्या करते हैं जी इधर से पकड़ो, ये लॉक लगाओ, ये करो और ये मारो, लेकिन इतना टाइम को नहीं है, कुछ ये भी बताते हैं ये पकड़ा इसका बाजू घुमा दो, इतना कर दो। लेकिन अगर अगला बंदा पावरफुल होता है या वो भी आपकी तरह दिमाग उसका तेज़ होगा या आप इतना ज़्यादा टाइम लगाओगे तो उससे पहले वो आपको अपना दूसरा अटैक कर देगा, आपको डिफेंस नहीं करने देगा। इधर आपने क्या करना है, जैसे ही वो आपको पकड़ता है आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए। अब मैं पहले ट्रेनिंग देख लें, ट्रेनिंग में आपको वन बाई वन बताया जाता है और स्पीड क्या होती है, पहले ये स्पीड देखें। जैसे ही वो आपको दोबारा छोड़ो, अब देखिए जैसे मुझे पकड़ेगा मैं फौरी अटैक करूँगा। जैसे पकड़ा मुझे इसने, अब जैसे ही मेरे ऊपर पकड़ा ना, अब मैंने इसको किया कैसे, इसने मुझे स्पीड से पकड़ा, मैंने अब क्या किया, एक हाथ से मैंने इसके हाथ को पकड़ा, इसकी कलाई को ये किया, दूसरा मैंने हाथ ये किया, दूसरा हाथ मैंने क्या किया, इसने ऐसे पकड़ा, मैंने स्पीड से ये फिंगर सामने टाइट किए और ये इसकी पसलियों के ऊपर मारा। ये इंसान का ये एक नाजुक हिस्सा होता है, यहाँ पर आप हल्का सा भी अटैक करें ना तो वो एक सेकंड से भी पहले आपको छोड़ देगा, क्योंकि इधर पेन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही वो मुझे पकड़ रहा था मैंने क्या किया, जैसे उसने मेरे ऊपर हाथ डाला पकड़ा, मैंने स्पीड से ये हाथ ऐसे किया, दूसरा मैंने ये किया, इधर ये हाथ मैंने ऊपर इसलिए डाला ताकि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो उसकी अगर फिंगर मेरी कमीज़ या शर्ट के अंदर रह गए तो वो फटे ना, इसलिए मैंने स्पीड से इस हाथ को इस तरह पुश किया, टाइट पकड़ा। जैसे पकड़ा मैंने इसको ऐसे पुश किया, स्पीड से ये पुश किया और ये फिंगर टाइट करके हाथ ऊपर करो, ये जो जगह होती है ना ये चीज़, इसके ऊपर मैंने ऐसे ऐसे पुश किया, ये पसलियाँ आ गई, इसके ऊपर मैं हल्का सा ऐसे पुश करूँगा तो बहुत ज़्यादा पेन होगी, वो एक सेकंड के अंदर छोड़ देगा। फिर दोबारा देखिए, अब स्पीड देखनी है, ठीक है। जैसे अक्सर क्या होता है हमारी लड़ाई कैसी होती है, आ रहे हैं हम एक दूसरे को ऐसे ऐसे करते हैं, वो आगे आपको पकड़ रहा है, जैसे पकड़े स्पीड से उसको ऐसे पुश करो, ये होता है कि आप जल्दी से जल्दी डिफेंस कर सकते हैं। ये बहुत फास्ट ट्रेनिंग है, जब इसमें ये नहीं आप करना कि पकड़ो उसने गिरेबान पकड़ लिया, पहले आप ये करते रहो, ठीक है, आधा घंटा ऐसे लगे रहो, उससे पता लगे आपकी शर्ट या जो आपकी कमीज़ है वो फट जाए, बाद में आप ऐसे अपना डिफेंस करने के चक्रों में रहते रहो। इसमें स्पीड होती है कि जैसे ही उसने आपको पकड़ा है, स्पीड से उसने आपको पकड़ा, स्पीड से उसके ऊपर उसके आपने अटैक करना है। अब आप दूसरी तकनीक्स में आपको बताता हूँ कि जैसे ही वो भी फास्ट है, स्पीड है, जैसे उसने स्पीड से आपको ये पकड़ा, स्पीड से पकड़ा, इधर भी आपने ये हाथ इस तरह यूज़ करना है, दूसरा जो आपके अपने फिंगर जो है इनको ढीला छोड़ना है, होंगे क्लोज ही लेकिन ढीला छोड़ के, आपको पता है इंसान की ये जो नाक होती है ना ये बहुत ज़्यादा वीक होती है, इधर हल्का सा हाथ लगने से बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो इसी तरह जैसे ही वो आपको ये पकड़ता है तो जैसे ही उसने पकड़ा स्पीड के साथ, पहले वन बी वन देखे, जैसे पकड़ा आपने ये हाथ इसी तरह यूज़ करना है, दूसरा हाथ आपने इस तरह ढीला लाते हुए ये फिंगर ढीले उसके नाक के ऊपर ऐसे अटैक करना है। ये देखें पकड़ो, पकड़ा उसने, ये किया, जैसे किया हल्का सा भी मैं बिल्कुल ना नॉर्मल उसको ऐसे पुश कर रहा हूँ, हल्के से फिंगर लगा रहा हूँ कि चोट ना लगे। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका हल्की सी थोड़ी सी स्पीड होगी ना, वो जितना भी मर्जी पावरफुल हो, लेकिन इंसान के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जो जितना मर्जी पावरफुल हो, सेहतमंद हो, लेकिन वहाँ पर हल्का सा टैच जैसे मेन पॉइंट होता है, आप वहाँ से हल्का सा फिंगर मार ले, पाँव मार ले तो वो एक सेकंड के अंदर पहले आपको छोड़ देगा। वैसे ही इधर है कि जैसे ही उसने मुझे आगे पकड़ा ये किया, जैसे किया स्पीड है, इसमें भी आपने वो नहीं करना कि उसने पकड़ा है मुझे तो इसमें मैं पहले ये करता हूँ, ऐसे पकड़ता रहूँ, फिर उसको ऐसे पकड़ूँ, ये करने की कोशिश करूँ, तो उससे पहले वो अपना डिफेंस कर लेगा, आपको डिफेंस करने का मौका नहीं देगा, वो आपके ऊपर दूसरा तीसरा अटैक कर सकता है। इसलिए जैसे ही वो आपको पकड़ता है, जैसे ही वो आपका गिरेबान ग्रिप करता है, जैसे ही उसने ग्रिप किया आपको पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करे तो उसका पकड़ा हाथ ये किया और ये हाथ फिंगर इसमें आपने बिल्कुल ही ढीले छोड़ने हैं ताकि उसकी नाक पे जैसे हल्का, अब इसमें अगर टाइट करता हूँ ना तो इसे वो चटका नहीं मिलेगा, जब इसको मैं बिल्कुल ढीला रखूँगा, जैसे ये मुझे पकड़ता है मैं ऐसे ढीला रख के इसे पुश करूँगा, ये फिंगर मेरे अब जो है ये खुले होंगे, ये नाक पर भी अटैक होंगे, आँखों पर भी अटैक हो सकते हैं और आपके होठों पर भी अटैक हो सकते हैं। तो ये इंसान का फेस वैसे नाजुक एक पार्ट है और नाक जो है फेस का वो सबसे ज़्यादा नाजुक हिस्सा होता है। फिर देखे आया,
इस तरह आपने कहना है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको काफ़ी हद तक पसंद होगी। ये जो डिफेंस है ये एक न्यू डिफेंस है, एक तेज डिफेंस आप इसे कह सकते हैं कि जल्दी इसकी ट्रेनिंग, कोई इतनी हैवी ट्रेनिंग नहीं है कि आपको पहले प्रैक्टिस है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे आप कोई चीज़ भी कंप्लीट नहीं कर सकते। अब ये नहीं ना कि देखी वीडियो और कहा जी हाँ जी मुझसे झगड़ा करो, मेरे गिरबान पकड़ो और मैं ये करूँगा ये करूँगा, नो। इसकी हर चीज़ की प्रैक्टिस है। जैसे अब ये भी देखो ना, पकड़ा है मुझे इसने, मैंने अगर ये अटैक किया है तो इसने पकड़ा है, इसकी मैंने ट्रेनिंग पहले की है, मैंने खुद इसकी ट्रेनिंग की है, मुझे पकड़ा है, मैंने बार बार स्लो किया है कि अब जिसके साथ मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ उसको भी मैंने नुकसान नहीं पहुँचाना। मुझे इसने पकड़ा है, ठीक है, मैंने आराम से सीखा है कि मैं ये करूँगा, फिर हाथ को ऐसे मारूँगा, मेरा हाथ रियल आना चाहिए पसलियों के ऊपर और ये फिंगर टाइट हो। अगर फिंगर मेरे ये नाजुक होते हैं, जब मैं उसको मारूंगा ये खुद इस तरह प्रेस होकर टूट जाएंगे। ये आपके इतने टाइट होने चाहिए, ये दब टाइट होंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। आई होप कि आज का डिफेंस आपको पसंद आया होगा। आज के जदीद दौर में जदीद ये एक डिफेंस है। इंशाल्लाह अगर डिफेंस चला होगा तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।